वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। देखो यहाँ पर आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन, आपके मन में जो इंसान हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनसे डील कर रहे हो, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, अभी क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, तो उनके करंट फीलिंग्स को यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दो पाइल है, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। आप थोड़ा सा गौर से देखकर भी चूज़ कर सकते हैं, इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर ले। यहाँ पर दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, देखो अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, तो आप अपने आँखें को बंद कर लो, गहरी सांस लो, देन आँखें को धीरे धीरे से खोलो एंड जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप चूज़ कर लो। अगर इससे भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो देन आप अपना जन्म का जो तारीख है उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपका जन्म का तारीख ऑड नंबर पर आ रहा है तो आप इसको चूज़ करें, अगर इवन नंबर पर आ रहा है तो इसको चूज़ करें। फाइन, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। सो आप पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है लव विथ यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपका जो जन्म का तारीख है वो ऑड नंबर पर आ रहा है, मतलब कि 1, 3, 5, etc. ओके, सो यस, आपके लिए है पाइल नंबर वन। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर वन को चूज़ किया यहाँ पर मुझे दिख रही है, आप जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देखने आए हो, वो इंसान धीरे धीरे से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको दिल से फील कर पा रहे हैं, अभी आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं। इनके हाथ में आपके लिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली हैं, इनके दिल में आपके लिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली हैं। ये इंसान जो भी देंगे बहुत ज़्यादा दिल से देने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट देंगे, वहाँ पर कोई इमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रही है मुझे। देख लेते हैं डिटेल में कि क्या सोच रहे हैं ये इंसान, उनकी करेंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर थ्री ऑफ हर्ट्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ कहीं पर बाहर जाना चाहते हैं, अभी आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इनके लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स के साथ आपको जुड़ना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं पर घूमने जाने का ऑफ़र दे या फिर कहीं पर डेट पे जाने के लिए कहें। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्पेड्स से मुझे दिख रही हैं, ये इंसान थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड भी है, मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ये इंसान कुछ प्रपोजल देंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर क्या आप उनको सही नज़रों से देखोगे जैसा ये इंसान आपको देखते हैं या फिर सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि इन्होंने पास्ट में कुछ बिहेवियर ऐसा शो किया था या फिर कुछ ऐसा कहा था आपसे जिस चीज़ के लिए ये इंसान दिल से शर्मिंदा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बट अभी तक मांग नहीं पाए हैं, बट प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। ये चीज़ दिख रही है, रात रात भर जग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान जब खुद हील हो जाएंगे तो देन आपके पास पूरी तरीके से ये ऑफ़र लेकर ये चले आएंगे, ये कोई माफ़ी भी हो सकता है। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ओके, सो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मुझे दिख रही है इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी भी तरीके से इनजस्टिस हुआ है, आप जो डिज़र्व करते हो ये इंसान दे नहीं पाए हैं या फिर दे नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिख रही है इनके मन में। बट ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए धीरे धीरे से रेडी होते हुए दिख रहे हैं, खुद को एबल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है मुझे। आपके साथ किसी भी तरीके से कोई भी अनफेयर नहीं करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर किंग ऑफ हर्ट्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान दिल से आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं शादी का प्रपोजल भी हो सकता है ये। एंड ये इंसान साथ में ये भी एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि ये इंसान जितना आपको प्यार करते हैं, जितना आपको समझते हैं, कि आप भी उनको धीरे धीरे से उतना ही समझना स्टार्ट कर दो, आप भी उनको उतना ही प्यार करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो ये इंसान सिर्फ ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ देंगे, ये इंसान लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशंस फुल हैं आपकी तरफ से। एंड यहाँ पर फोर ऑफ क्लब्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आपको कोई सॉलिड प्रपोजल देने वाले हैं।
कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे, डेफिनेटली ये शादी का ऑफ़र हो सकता है या फिर इंगेजमेंट का ऑफ़र भी हो सकता है, कोर्ट मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। दिख रही है मुझे कि आपके साथ ये इंसान चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस में ले आना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन बना हुआ है, इससे ये इंसान अभी खुश नहीं है। चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत सारा खुशी देना चाहते हैं। ओके, सो ये इंसान पहले जिस चीज़ को देखकर भाग गए थे या फिर जिस चीज़ के बारे में सोचकर इन्होंने खुद को पीछे हटा लिया था, तो उस चीज़ को इग्नोर करके ये आपके तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को सुन रहे हैं, दिल की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ हो सकता है एक होने में बहुत ज़्यादा तकलीफें इनको झेलना पड़ेगा या फिर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेडेक हो सकते हैं को लेना पड़े, बट फिर भी ये इंसान आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध कर कि जो होगा देखा जाएगा। ये इंसान अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं गाइस। ओके, सो देख लेते हैं दो डिवाइन गाइडेंस, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अगर आप इस इंसान के पीछे दौड़ रहे हो, इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, एंड हो सकता है शो नहीं कर रहे हो या फिर कर रहे हो, आई डोंट नो, बट अगर आप इस इंसान को चाहते हो पाना एंड उनके पीछे बहुत सारा चीज़ें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हो, तो आपको आपका हार्डवर्क का रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, कम्युनिकेशन इज़ की। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है जो भी आप चाहते हो। लव लाइफ की साइड से डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके हार्डवर्क तो डेफिनेटली रंग लाएगा, साथ में आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका मांग है या फिर जो भी आप समझाना चाहते हो। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रास्ता ओपन करने वाला है लव लाइफ के साइड से आपके लिए, चीज़ों को बेहतर करने वाला है। सो यस, यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपका जो जन्म का तारीख है वो कहीं ना कहीं इवन नंबर पर आ रहा है, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 8 सो आपके लिए है पायल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने आए हो ना, वो इंसान आपके सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट की एनर्जी को ही दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप दोनों का रिलेशन टक्कर का है, आप दोनों का सोल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप दोनों का माइंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कभी भी किसी भी वे में नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में उनके स्ट्रेंथ आप बनने वाले हो एंड आपका स्ट्रेंथ वो बनने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के अलावा कुछ भी समझ नहीं वाले हो, कुछ भी देखने नहीं वाले हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉरस का साइन है, सांड क्या करता है, मतलब कि जो भी टारगेट में है उसी चीज़ के ऊपर फोकस करके दौड़ता है। तो इस इंसान के सामने टारगेट ये है। ओके, सो किसी भी तरीके से आप दोनों अलग नहीं होने वाले हो, सो नॉट टू वरी। देख लेते हैं कि वो इंसान अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स चेक कर लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ऑलरेडी कार्ड अनफोल्ड हो चुका है। ओके, किंग ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है मेष राशि। देखो, हो सकता है आप किसी एरीज से डील करो या फिर एरीज उनके चार्ट में है। सो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं, पावरफुल महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर श्योर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इनके मन में आपको लेकर कोई भी डाउट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्पेड्स है। इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दुविधा हैं एंड इनको पता है कि ये इंसान डेफिनेटली उस चीज़ को पार कर जाएंगे एंड कहीं ना कहीं उनके रात ख़त्म होने वाला है, सूरज आप हो, इस चीज़ को ये इंसान मानते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अंधेरा जो है वो जस्ट ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करने की बात करता है, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करने की बात करता है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है, डिस्टर्बिंग है या फिर उनको हेडेक दे रहा है। ओके, सो आपके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ये इंसान अभी रखना नहीं चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में सोचना चाहते हैं।
अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे तक जाना है एंड इसके ही दौरान आपको पाना है। एंड यहाँ पर है 9 of Hearts, बहुत कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं आपको लेकर इनके दिल में, इनके मन में। दिख रही है मुझे, आपको किसी भी तरीके से दुख देना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 9 of Hearts का कार्ड कहीं ना कहीं बेचैनी की भी बात करता है, मतलब कि ये इंसान वर्तमान में बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो एंड नेक्स्ट यहाँ पर ओके स्पेड्स, 4 of Spades, डेथ का सिचुएशन। ये इंसान ना कुछ सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं जो इनके लाइफ के बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशंस हैं। पास्ट को ये इंसान छोड़ना चाहते हैं, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भुलाकर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 5 of Spades, ओके सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डेफिनेटली टक्कर के हो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना। एंड ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको 50-50 का पार्टनर बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी करेंगे आधा आप करोगे, आधा ये इंसान करेंगे, एंड जो भी कुछ सुनेंगे, जो भी कुछ झेलेंगे, आधा आप करोगे, आधा ये करेंगे, ओके। एंड इस चीज़ के साथ साथ इनको ऐसा भी लग रहा है कि ओपोनेंट डिफ़िकल्ट है, मतलब कि आपके पास जाने से, आपको प्यार करने से या फिर आपको कुछ प्रपोज़ल देने से इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उस चीज़ को झेलने का जो क्षमता है ना, ये भी ये इंसान धीरे धीरे से जुगाड़ करते हुए दिख रहे हैं। ओपोनेंट डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इंसान पॉजिटिव थाट्स रख रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं 7 of Spades, ओके देखो ये इंसान सोल्यूशन भी ढूंढ कर लाते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि इनको मतलब कि इनके मन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे बातें चल रहे हैं। इनको एक बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम इनके तरफ आ सकता है आपके तरफ जाने से, आपको प्रपोजल देने से, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी तोड़ इनके पास है। क्या करेंगे क्या नहीं, इस चीज़ को लेकर भी सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ भी हो जाए ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा एक माइंडसेट इनके अंदर मुझे दिख रही है वर्तमान में, ओके। देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है एंड साथ में वर्गो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हाई दिख रही है। देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके यू आर गुड एनफ, सो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा दिल से, मन से, हर एक तरीके से अच्छे पर्सन हो, कहीं ना कहीं नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, आप लोगों की तकलीफ़ को समझते हो, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन आपके तकलीफ़ को समझने वाले हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लव लाइफ के साइड से आपको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, कभी ये पर्सन हासिल नहीं होगा या फिर कभी आपकी लव लाइफ में सुख नहीं आएगा, हमेशा आपको दुख का सामना ही करना पड़ेगा, तो माय डियर डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अच्छे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपको चिंता नहीं करना है, ओके। आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली सुपर मून, आपके इमोशंस बहुत जल्द हाई होने वाले हैं, मतलब कि आप एक्साइटेड होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आपके आप रेस्टलेस एनर्जी में जाने वाले हो। सो अनएक्सपेक्टेड कुछ खुशियाँ, सरप्राइज आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली यही है आपका रीडिंग पायल नंबर 2। थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।